अस्सलाम वालेकुम माय होम शेफ्स, दिस इज फराह। वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और फैमिली फ्रेंड के साथ मेरे चैनल को शेयर करना नहीं भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें। आज मैं बनाऊंगी आप आइसक्रीम फालूदा शेक। यहाँ है आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी, रंगीन सेवैया, दूध, जेली, येलो, रेड, तुख मलंगा, ग्रीन जेली, कंडेंस मिल्क, ड्राई फ्रूट और बर्फ। सबसे पहले दूध डालेंगे, उसके बाद कंडेंस मिल्क, बाद शामिल करेंगे तुख मलंगा, उसके बाद बर्फ डालें इसमें, आइस, उसके बाद आइसक्रीम। अब इसको ब्लेंड करेंगे। अब इसको बारीक बारीक काट लें जेलियों को। चलो, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन मिल्क, सोया, और डालेंगे आइसक्रीम। अब इसके ऊपर तुख मलंगा, थोड़े से नट्स। आइसक्रीम फालूदा शेक तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई अच्छी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे सेफ, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी आप एनर्जी ड्रिंक। यहाँ है तुख मलंगा, इसको 8 to 10 मिनट सोक करके रख लें। रेगुलर मिल्क, बादाम, इसको आप पहले सोक कर लें, उसके बाद फिर इसको बॉइल करके इसको काट लें। पिस्ता, इसको पीस लें। लाल शरबत, चीनी, बर्फ और छोटी इलायची। पहले इसके अंदर छोटी इलायची, मिल्क, मिल्क के बाद पिस्ता, उसके बाद चीनी। अब इसको ब्लेंड कर लें, इसको पीस लिया। अब इसके अंदर डालेंगे आइस, साथ ही तुख मलंगा। अब फिर इसको ब्लेंड करेंगे। अब इसको पोर करेंगे। एक और आपको दिखाती हूँ बनाकर। अब ये दूसरे वाले में मैंने लाल शरबत ऐड किया, ये देखिए। अब ऊपर तुख मलंगा डाल दें, साथ ही बिस्मिल्लाह। अब ऊपर डालेंगे बादाम, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई अच्छी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे सेफ, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।